फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज फिर से पुरानी जो रूटीन थी मॉर्निंग की, वो स्टार्ट करने की कोशिश की है। आज जल्दी उठी थी और थोड़ा वर्कआउट किया, थोड़ा योगा किया, और आज से कुछ नया भी ऐड किया है मेरे मॉर्निंग रूटीन में मैंने, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा सब बोलते हैं, तो क्यों ना ट्राई ही किया जाए। ट्राई किया, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो। फिर थोड़ी मुझे उससे नींद आ गई थी, यानी इतना ज़्यादा, यानी माइंड काम हो गया था उससे, मुझे नींद आ रही थी थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा नहीं, अब तो सोना नहीं है, अब तो उठ जाना है, जाना है चलो शॉप पे, और फटाफट से अब घर के काम भी निपटाने हैं। और प्रिंसी क्या बोलना चाहती है, बोलो फटाफट से। गुड मॉर्निंग तो बोल दे। गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब घर के काम निपटाते हैं जल्दी से। अभी हो गई हूँ मैं नहा के रेडी, बाल वगैरह बनाने बाकी हैं, अभी फटाफट से बाल बनाती हूँ और खाना बनाना है। खाने में आज बना रही हूँ मैं सोयाबीन की सब्जी और रोटी और दाल चावल। चलिए बनाते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है, हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या पता क्या हो गया। थोड़ा सा काम करने में भी यानी आलस आ रहा है, तबीयत सही नहीं होती तो ऐसा होता है ना, इसलिए। तो भी चलो, हार नहीं मानेंगे, काम तो करना ही है, शॉप पे भी जाना ही है, तो फटाफट से काम निपटाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ शॉप पे जाके। तो गाइस, अभी सब्जी बनती है, ये हमारी मम्मा दीदी सब्जी बना रहे हैं, ये हमारी दाल है और इसमें क्या है, सब्जी बन रही है, दाल तो अभी बन रही है और सब्जी फ्राई कर रही हूँ अभी। किसकी बना रही है? सोयाबीन की। सोयाबीन की बना रहे हैं। कैमरा बैग ले लिया है, प्रिंसी का मेकअप होने जा रहा है, चलो बैठ जाओ गाड़ी पे। बोल दिया जा रहे हैं। अभी हम बैठे हैं शॉप के बाहर, क्योंकि लाइट भी नहीं है और इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया है, इसलिए थोड़ी हवा भी आ रही है, इसलिए यहाँ पे हैं। तो गाइस, मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, लाइट आई भी नहीं और ना इन्वर्टर, ख़त्म हो गया। कब कैसे हवा करते करते थक गए हैं। कब से ऐसे हवा करते करते थक गए, जब से शॉप पे आई हूँ तब से लाइट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और अभी प्रिंसी इरिटेट होके बोल रही है, कब से तो बोल रही थी मैं यहीं पे रहूँगी, पर अब उसको लग रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा है ही, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा। आज तो हमको प्रिंसी का मेकअप शूट करना था, पर लाइट्स ही नहीं है, क्या करें प्रिंसी यार। शाम को आ जाएगी तो कर लेंगे। ओके। शॉप पे भी लाइट्स नहीं है, सब बंद पड़ा, इवन पंखा भी नहीं है, तो गेट भी खुला रख के बैठे हैं, पर एक जरा भी हवा नहीं आ रही है। तो क्या प्रिंसी, कैसा लग रहा है तुझे? बहुत ही खराब लग रहा है। इधर आ जा। इतनी गर्मी, मतलब मैंने कभी ऐसी गर्मी हुई भी नहीं होगी जैसे यहाँ पे हो रही है। लाइट के बिना मैं तो एक जरा भी नहीं रह सकती, ना पंखा रहता है और ना कूलर, बहुत ही गर्मी हो रही है। इसलिए आप व्लॉग को एंजॉय करो, हम गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। चिकू आ गए लेने के लिए, अब हम प्रिंसी और हम सब जने जा रहे हैं घर पे। मैं दुकान अब फाइनली घर जा रही है, अब गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, कौन है ये? कौन है ये? रोमान पूर्वी का कॉल है, ये बात हो रही है। क्या हुआ? उसको बाय कर दे। ये थोड़ा और डाउन नहीं होता? किसको? इतनी दूर देख रही है तू तो, जिसके कोई हद नहीं है। आ गए हैं घर पे, अब प्रिंसी शांति से बैठेगी एसी में, है ना बेचारी। तू बता दे बेटा, एक बार मास्क निकाल दे, पूरी लाल लाल हो गई है। मम्मा दीदी, आज जैसे चली ना गर्मी में थी तो ऐसा चिपचिपा हो रहा था पाँव में,
पूरी बॉडी चिप चिप हो गई है ना। आज भी वीडियो नहीं बना पाए, लाइट नहीं आई थी। देखते हैं आज शाम तक आ जाती है तो ट्राई करेंगे जाने का, है ना, जल्दी फ्री हो गए तो। बहुत चिप चिप लग रहा है, मेरे को क्या करूँ। नाई भी नहीं कर सकते अभी, फिर सर्दी हो जाएगी एकदम से। थोड़ी सी सर्दी हो गई है ना आपको। चलो कोई बात नहीं, अब मैं और प्रिंसी करेंगे मस्ती, बहुत सारी बातें। और मम्मी देखा इसलिए, मैं और प्रिंसी जैसे शॉप से आए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, गर्मी से थक गए थे, तो फिर मैं तो सो गई लगभग एक घंटा ऐसा कुछ सो गई थी। अभी उठी हूँ, 6:30 हो गई, यानी हाँ लगभग 5:30 बजे आए थे, 6:30 हो गई है अभी। और मैं जैसे ही उठी वैसे मैंने देखा कि चिकू एक पार्सल लेके आए हैं, प्रिंटर है। हमारे पास पहले भी ये प्रिंटर था, शिपिंग लेवल वाला प्रिंटर था, पर आजकल ऑर्डर बहुत आ रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ में कम आ रहा था, इसलिए नया मंगवा दिया है। अब दमादम शिपिंग लेवल निकलेगी, फास्ट हो जाएगी। ये सब एडवांस मंगवाया ना उससे? लगेगा कैसे, एक बार लगा दूँ? ठीक है आप पूरा इसको असेंबल कर दो फिर दिखाते हैं ना। अभी मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में बन रही है खिचड़ी। यहाँ पर चाय चल रही है और ये चावल भी भिगा दिए हैं। और आज कल शायद प्रिंसी जाने वाली है, क्योंकि उसकी दादी आ गई है उसको लेने के लिए, और अभी वो गई है, यानी वहाँ पुराने घर पे गई है उसकी दादी के साथ, बुआ जी के साथ। तो अच्छा नहीं लग रहा है वो जा रही है, तो क्योंकि बहुत मज़ा आया है उसके साथ में। अभी आएगी थोड़ी देर बाद, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। और ये बस काम हो रहा है, और दोपहर में सोई थी, क्या पता कमर में कैसे सो गई हो, कमर में दर्द आ गया तीखा तीखा एकदम से, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सुबह से। आज क्या पता दिन ही कैसा है, तबीयत सही रह ही नहीं रही आज सुबह से, मुझे कुछ भी मन नहीं हो रहा है काम करने का। आज का ब्लॉग भी मैं सही से कर नहीं पा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक लाइटें नहीं थी, लाइटों से सबसे ज़्यादा बड़े परेशान हो गए। तो अभी लाइटें तो फिलहाल घर पर तो सोलर है इसलिए आ गई हैं, वैसे भी आ गई हैं। आज वीडियो बनानी थी वो भी नहीं बना पाए, देखते हैं कल क्या होता है। ये बन रही है हमारी खिचड़ी, जब तक खिचड़ी बनती है तब तक रूम में जाते हैं। रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पर चिकू कर रहे थे वीडियो की एडिटिंग। ये वीडियो आपके लिए आने वाली है बहुत ही जल्दी, इस ब्लॉग से पहले तो ये वीडियो चली जाएगी। अभी खाना वगैरह सब खा के मैं फ्री हो गई, और प्रिंसी गई है उसके ताऊ जी के घर सोने के लिए। आज वो हमारे पास नहीं सो रही है, कल सुबह वो चली जाएगी ऐसा बोल रही है। बेचारी को वीडियो बनानी थी और वो हो ही नहीं पाया। आज पूरा मूड था वीडियो बनाने का, पर आज लाइटें ही नहीं थी और इतनी गर्मी लगी उसको। आज के व्लॉग में आप देखोगे वो गर्मी से लथपथ परेशान हो गई थी। कल हो सका तो वीडियो कल तो नहीं बनेगी, क्योंकि कल है संडे, वीकेंड लॉकडाउन है, संडे को एकदम बंद रहता है, और हम लोग भी कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो चलो वो तो कभी नेक्स्ट आएगी तो पक्का बनाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर रुक जाएगी तो फिर बनेगी ही वीडियो। तो अभी इसी के साथ मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई, और आज मेरा दिन इतना अच्छा गया ही नहीं है, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, पूरे दिन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और कम पड़ रहा था, तो लाइटों ने आज इतना परेशान किया जिसकी कोई हद नहीं है, उस वजह से पूरा मूड भी ख़राब हो गया, तबीयत भी ख़राब थी। आज का ब्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट बना होगा शायद तक। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलता है किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में।